आनंदा डेयरी लिमिटेड ने फ्रोजन पनीर फ्रोजन सोया चाप लॉन्च किया। भारत की बहुचर्चित दुग्ध उत्पादन कंपनी आनंदा डेयरी लिमिटेड ने 11th होशन कैनरी महोत्सव के दौरान फ्रोजन पनीर फ्रोजन सोया चाप लॉन्च किया, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आनंदा डेयरी लिमिटेड ने आज लॉन्च हुए दोनों प्रोडक्टों को ऑटोमेटिक प्लांट के द्वारा बिना हाथ के छुए हुए तैयार किया है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। औद्योगिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आनंदा डेयरी लिमिटेड नई ऊंचाइयों को छू रही है और देश के किसान और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इन्वेस्ट ग्लोबल समिट में 650 करोड़ का एमओयू किया था। सरकार के साथ किए एमओयू को आनंदा डेयरी धरातल पर ला रही है। चेयरमैन ने बताया कि आनंदा 10 लाख लीटर दूध किसानों से खरीद कर दूध से बने प्रोडक्ट को सभी पैरामीटर पर चेक कर उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट तैयार करती है और आनंदा की डॉक्टरों की टीम जो गांव-गांव में जाकर पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य करती है। आनंदा डेयरी से सीधे तौर पर 3 लाख किसान और किसान महिलाएं पहले से जुड़ी हुई हैं, जो 6000 गांवों से दूध खरीदती है, जिनकी पेमेंट सीधे किसानों के बैंक खाते में डिजिटल की जाती है। आनंदा डेयरी लोकल फॉर ग्लोबल पर भी काम कर रही है। आनंदा डेयरी के पिलखुआ में स्थित फैक्ट्री से कई उत्पाद विदेशों में भी जाते हैं। इस मौके पर आनंदा डेयरी के डायरेक्टर सुनीता दीक्षित, सूरज दीक्षित, राहुल दीक्षित, आनंदा का समस्त परिवार उपस्थित रहे। सोया चाप जो खा रहे हैं हम लोग, उसमें ये अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने जा रहा है। 100% विद सोया, और इस सोया इज नॉन फॉर प्रोटीन। तो जैसे हम पनीर से हमें प्रोटीन मिलता है, वेजिटेरियन के लिए दो सोर्स हैं, सोयाबीन और पनीर। तो ये दो सोर्स हमारे आनंदा के फोटे में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये अपने आप में बहुत बड़े नंबर लेके आएगा प्रोडक्ट। धन्यवाद। काफी हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है। आप इसको प्रेस करके देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट है। अभी बाकी खाने से पता चलेगा। और ये वो फ्रोजन पनीर